हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड, जो कि ज़्यादातर प्लांट फिजियोलॉजी में आता है और वैसे भी आप छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसका एक आइडिया ले लेते हैं। टिपिकल जो क्वेश्चन वाटर पोटेंशियल को लेके होते हैं वो ये है, हियर आर टू सेल्स विद डिफरेंट वाटर पोटेंशियल, विच मे विल मूव वाटर। दो सेल्स हैं जिनका वाटर पोटेंशियल अलग है, किसमें पानी जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, यूज़ वाटर पोटेंशियल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई वाटर एंटर एंड मूव अक्रॉस रूट। जो रूट में, प्लांट रूट में पानी जाता है वो किस तरह से जाता है, वाटर पोटेंशियल थ्योरी को यूज़ करके बताइए। तीसरा है, एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ द इक्वेशन साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इससे हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फोर्थ है, हाउ कैन वाटर पोटेंशियल थ्योरी बी यूज टू एक्सप्लेन टर्गर एंड प्लाज्मोलिसिस। हम टर्गर और प्लाज्मोलिसिस के लिए अलग वीडियो एक बनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है। उसके बाद है, इंटरप्रेट द वाटर पोटेंशियल ग्राफ। वाटर पोटेंशियल ग्राफ को आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, वाटर पोटेंशियल के की डिटेल करवाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो वाटर पोटेंशियल है ये दिया था स्टेलर एंड टायलर ने। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1960 में दिया था, स्लेटर एंड टायलर ने ये टर्म दी थी, और ये मॉडर्न टर्म है जो डीपीडी की जगह पे आजकल यूज होती है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, उसकी जगह पे आजकल पोटेंशियल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ वाटर टू एंटर और लीव ए सेल इज़ वाटर पोटेंशियल। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल मीन्स लेस नेगेटिव, लो वाटर पोटेंशियल मीन्स मोर नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरह से आप समझ सकते हो कि मैंने आपको 100 रुपये दिए समझ लो, और आपने मुझे उसमें से 50 रुपये दिए, इसका मतलब आप -50 पे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने ज़्यादा अमाउंट दिया होता और आप -100 पे होते तो क्या है, आप वहाँ पे लेस नेगेटिव हैं। ठीक है, अगर -50 है तो लेस नेगेटिव हैं और हाई आपकी एनर्जी रहेगी, और अगर आप मोर नेगेटिव हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम रहेगी, कि चिंता रहेगी कि मुझे इसके इतने रुपए देने हैं। तो ये एक इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लेस नेगेटिव है तो हाई एनर्जी, और पानी हमेशा मूव करता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे। ये तो हमारे एक जनरल रूटीन से कोरिलेट करके मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सेकंड है, जो हाई वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 होता है और वो प्योर वाटर का होता है। पानी जो है हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे मूव करता है, और वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है। जो इसको मेज़र करने के स्केल हैं वो है किलो पास्कल, इसको किलो पास्कल में मेज़र करते हैं। जो वाटर पोटेंशियल है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जिस तरफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन रहेगी वहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल रहेगा, मतलब जो पानी की एनर्जी है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, जैसे अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन आप 2 लेवल में रखेंगे किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, एक साइड ज़्यादा पानी प्योर वाटर और दूसरी साइड पानी में नमक सपोज। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद अगर आप चेक करेंगे तो दोनों साइड जो है सोल्यूट जो वो सेम रहे मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो वाटर पोटेंशियल था प्योर वाटर का वो काम कर गया वहाँ पे, और वहाँ पे जो रैंडमनेस है मॉलिक्यूल की वो ज़्यादा थी, और उसकी वजह से जिस साइड में ज़्यादा कंसंट्रेशन थी उधर पानी मूव कर गया, और जो सोल्यूट है वो दोनों साइड सेम हो गए, और फिर वाटर पोटेंशियल जो था वो कम हो गया और पानी मूव नहीं कर रहा जिस साइड सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। दूसरा है, जो वाटर पोटेंशियल को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पानी जो है प्लांट्स में किस तरह से एंटर करता है। पानी रूट किस तरह से लेती हैं पानी को, रूट एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को रूट हेयर से। जो रूट हेयर है वो सिंगल सेल से बनी होती है, तो जो रूट्स हैं उसमें सॉल्यूट है, और जो आउटर सॉइल है उसमें भी सॉल्यूट है। ठीक है, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, रूट में है, है ना, तो इस वजह से उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है। इसकी वजह से हाइयर टू लोअर मूव करता है पानी, तो फिर पानी
जो सॉइल है उससे रूट में चला जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर सोल्यूट है और वाटर पोटेंशियल कम है. वाटर इन द सॉइल कंटेन सम सोल्यूट बट लेस देन द सेल. मैंने अभी बताया कि जो पानी है रूट्स के अंदर उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम रहेगा. वाटर पोटेंशियल वर्क्यूल का उससे भी कम है क्योंकि वर्क्यूल में ज़्यादा सोल्यूट्स रहते हैं. इस तरह से सॉइल में सबसे कम सोल्यूट, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा. सेल्स में उससे कम सोल्यूट, वाटर पोटेंशियल थोड़ा कम. और जो सैप है उसके अंदर ज़्यादा सोल्यूट और वाटर पोटेंशियल सबसे कम. अब देखिए फिगर टू में है, तीन सेल्स दिखाई गई हैं आपको, ठीक है. रूट हेयर्स हैं ये, रूट हेयर ए बी और सी. अब क्या होता है, जो सॉइल का कंसंट्रेशन है सोल्यूट का वो तो बहुत कम है, और क्योंकि प्लांट में सोल्यूट्स होते हैं तो जो रूट हेयर है उसमें कुछ सोल्यूट कंसंट्रेशन है. तो फ्री वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो सपोज, तो रूट का माइनस में होगा, तो हायर किसका है, सॉइल वाले वाटर का. तो वाटर मूव कर जाएगा ए में. अब यहाँ पे क्या है, जो सोल्यूट कंसंट्रेशन थे उसमें पानी एंटर कर गया, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो गया कंपैरिजन टू बी. अब क्या होगा, ए से बी में पानी मूव कर जाएगा. अब यहाँ जो सोल्यूट हैं उनका पानी मिक्स होने के बाद वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, ठीक है. अब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया सी के कंपैरिजन में, तो इस तरह से पानी चला जाता रहता है प्लांट के अंदर. जब ए का पानी लूज़ होता है, पानी बी में चला जाता है, वाटर पोटेंशियल ए का डिक्रीज हो जाता है. फिर से क्या है, कंपैरिजन होता है इन दोनों का, रूट हेयर का और सॉइल वाटर का. तो इनके कंपैरिजन होने के बाद फिर से पानी एंटर करेगा. इस तरह से पानी सॉइल से प्लांट्स में मूव करता रहता है. क्लियर. आपको सिर्फ एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन देंगे कि वाटर पोटेंशियल रूट हेयर का ज़्यादा है और सॉइल वाटर का ज़्यादा है, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा. ये सिर्फ कंफ्यूज़ करने के लिए है, वो जानना चाहते हैं कि आपको पता है क्या वाटर पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है. सेकंड है, वाटर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है फ्री एनर्जी का, वाटर मॉलिक्यूल का प्योर वाटर में, और एनर्जी है किसी अदर सिस्टम में, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है. जो ग्रीक लेटर्स आई है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये भी पता है ना. इसको बार्स में मेज़र करते हैं. जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल ज़ीरो है, ये मेन चीज़ है यहाँ पे. और इसी से सोल्यूट अगर पार्टिकल हम ऐड कर देंगे तो उसकी फ्री एनर्जी पानी की जो है वो कम हो जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू में इसको कंसिडर करेंगे. यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वाटर पोटेंशियल को. तो जो वाटर पोटेंशियल है वो टोटल जो वाटर पोटेंशियल होता है, प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोल्यूट पोटेंशियल, उनका प्लस करके टोटल वाटर पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है. अगर वाटर पोटेंशियल वाटर का हाई है तो वो लो की तरफ मूव करेगा. ये इक्वेशन से आपको समझ आ जाना चाहिए. अब देखो यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल को समझते हैं. जो वाटर पोटेंशियल है इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोल्यूट पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल में मैंने ये पिक्चर डाली है जिसमें एक बच्चा पिचकारी से एक लड़की के ऊपर पानी डाल रहा है, ठीक है. ये होली की नहीं है, ये प्रेशर पोटेंशियल को समझाने के लिए मैंने ऐड किया है. बच्चे ने प्रेशर डाला, पानी के ऊपर प्रेशर डाला और पानी तेज़ी से फ्लो कर गया, मूव कर गया. वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर गया क्योंकि प्रेशर था वहाँ पे, वॉल प्रेशर है. पिचकारी ने जो प्रेशर डाला है उसकी वजह से पानी में रैंडमनेस ज़्यादा आ गई, वो ज़्यादा फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने से वाटर पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, ठीक है. लेकिन सोल्यूट ऐड करने से पोटेंशियल घटता है, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल समझाती हूँ, उसके बाद आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं अलग से क्वेश्चन डाल रही हूँ. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आपको इनको देख के समझ आ जाना चाहिए कि जो पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. अगर आप इनके आंसर दे पाते हैं तो आपको ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है. अब मैं वो क्वेश्चन डाल रही हूँ जो आपको कैलकुलेट करके देखने हैं. आगे जो डायग्राम है दो, उसमें ए और बी सेल दी हुई हैं. इन दोनों में से आपको बताना है कि किस में पानी मूव करेगा. एक और क्वेश्चन है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे. चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं वाटर पोटेंशियल को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. वाटर पोटेंशियल में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल. यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो कि आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे सोल्यूट जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है -7.5, है ना, जो कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है.
और इसको ओपन बीकर में एक सेल को इसको डाल दिया गया है जिसका कि वाटर सॉल्युट पोटेंशियल ये है और वो बीकर प्योर वाटर का है, ठीक है। तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा। आपको ये पता है कि जो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो है और आपको दूसरा दिया गया है, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रेशर पोटेंशियल को जो समझ रहे थे कि प्रेशर पोटेंशियल किस तरह से होता है, जब फुली टर्जिड सेल होती है, फुली टर्जिड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सेल मैक्सिमम पानी अब्जॉर्ब कर सकती थी, जो स्वॉलन कंडीशन में है वो फुली टर्जिड है। कई क्वेश्चंस में आपको वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड एक दो टर्म और दिखेंगी, हाइपरटोनिक आइसोटोनिक सेल्स में डाल दिया तो फिर किस तरह से पानी मूव करेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस इन सिंपल स्टेप्स।